केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार रात दो दिन दौरे पर कोलकाता पहुंचे। यहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने कथित तौर पर न्यायिक हिरासत में मारे गए भाजपा कार्यकर्ता मदन घोरी के परिजनों से मुलाकात की। अपहरण के आरोप में 26 सितंबर को गिरफ्तार मदन की 13 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी। शाह ने मुलाकात की फोटो ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने हमारे शहीद बूथ उपाध्यक्ष मदन घोरी के परिजनों से मुलाकात की, इस बहादुर परिवार को मेरा नमन। शाह आज सुबह बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से बांकुरा के लिए रवाना होंगे। वहां से सड़क मार्ग द्वारा वह पुआ बागान जाएंगे, जहां वह बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद वह बांकुरा के रविंद्र भवन में संगठन की एक बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद उनके चतुरडीही गाँव जाने की योजना है, जहाँ वह एक आदिवासी परिवार के यहाँ भोजन करेंगे। गुरुवार की रात ही उनकी कोलकाता के लिए वापसी होगी। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।